हेलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जीना उना का पेड़ बना लिए। अभी देख लो, तराई मार रहे हैं, देख सकते हैं गाइस, ये मेरा छत है। देख सकते हो कैसे कितना अच्छा से तराई मार रहा हूँ। अभी थोड़ी देर लगेगा इसमें टाइम, छत इतना जल्दी तराई नहीं हो पाता है। गाइस, अगर आप भी प्लस्तर करते हो तो सही से तराई मारना है, ठीक, जो कि आपका जो है, अगर सीलिंग सही से तराई रहेगा तो आपका सीलिंग जो है पूरा चिकना दिखेगा, जैसा दिखना चाहिए। ये देख लो गाइस, मसाला बन चुका है। ये देख लो, घोल भी मेरा बन के रेडी है, घोल भी बन के रेडी है। सिर्फ तराई तराई में जो टाइम लग जाए, उसके बाद देख लो मेरा प्लाई वहाँ पर रखा हुआ है, वो प्लाई को इसे पेल देंगे फटाक से, और फटाक से काम चालू कर देंगे। तराई तराई होने दो, गाइस वीडियो को अंत तक देखो और लाइक सब्सक्राइब करो, जिससे हमको जो थोड़ा सा मोटिवेशन हम मिलता है। नहीं तो गाइस, थोड़ा मन तो अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि कुछ मैं किया ही नहीं हूँ इतना मेहनत के बाद भी। अब तराई देख लो कैसे हो गया है, जैसे पानी आपको छत में जो है टपकना शुरू हो जाए, जैसे आप आपको दिखा रहा हूँ कि ऐसे कम हो जाए, तो आपको जो है पता चल जाता है कि तराई हो गया है। ठीक, देख लो छत से कैसे पानी टपक रहा है, सूखना नहीं चाहिए। थोड़ी देर छोड़ने के बाद भी पानी अगर टपकता हो तो आप समझ लो कि मेरा जो है छत का तराई हो गया है, अब इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो आपका जो मसाला जैसे छापोगे तो गिरेगा फटाफट, ज़्यादा तराई होने के बाद भी। ठीक है गाइस, तो गाइस बने रहिए और आपको प्रोसेस के साथ घोल मार के दिखाएंगे कैसे घोल मारते हैं हम। देख लो गाइस, जैसे कि मैंने जो है पलाई रख दिया हूँ, पलाई रखने के बाद सूख गया था, देख लो जैसे सूख गया था, सूखने के बाद थोड़ा सा पानी फिर से मार देता हूँ। पानी मारने के बाद जो है घोल मारना है, जो सूखा हुआ भी नहीं मारना है, सूखा हुआ पे घोल मारोगे तो आप परेशान हो जाओगे, अकेला रहोगे तो आपका काम नहीं दिखेगा, फिर ऐसा लगेगा कि सारे दिन इसी में लग गया, फिर भी सफियाना काम आपका नहीं दिखने वाला है। गाइस, मैंने सोचा था कि हो गया, मगर हुआ था नहीं, तराई फुल तराई नहीं हुआ था, 10 मिनट में सूख गया फट से। ऊपर धूप कितना तेज निकल रहा है, देख सकते हो आप, धूप कितना है, इसी वजह से सूख जाता है। लेंटर डालते हुए कम से कम 2 महीने के ऊपर हो गया, इसीलिए लेंटर पूरा जो है पानी पी रहा है अभी, देख सकते हो बाहर का नज़ारा कैसे है। गाइस, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। गाइस बहुत मेहनत लगता है गाइस एक वीडियो बनाने में और शूट करने में, कम से कम 4 घंटे का आसपास लग जाता है, तो आप सब गाइस सपोर्ट कीजिए और लाइक सब्सक्राइब कीजिए और फूल देखिए। गाइस मेहनत बहुत लगता है, आपको लगता होगा ऐसा वीडियो है वैसा वीडियो है, मगर मेहनत जो है बहुत ज़्यादा है इसमें,
अगर हम एक वीडियो शूट करते कम से कम 4 घंटा 5 घंटे के आसपास लगता है 5 मिनट की वीडियो में, तो आप लोग गाइस सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, फिर हम शूट कैसे कर पाएंगे। अगर आप प्यार दीजिएगा तभी तो मेरा संभव है। गाइस देख, जैसे कि हम बता रहे थे कि तराई फूल मारना है तो फूल मारना है, अगर आप तराई नहीं कर पाओगे सही से तो आपका काम नहीं उसरेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम यही होगा कि ज़्यादा काम नहीं हो पाएगा। देख लो कितना पानी गिर रहा है नीचे। गाइस आपको अगर इसी तरह का वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और प्रेस करके हमारे मिथुन कुमार राजमिस्त्री .com को सर्च कीजिए और आप इसी तरह का वीडियो देखिए और मज़े लीजिए। गाइस गाइस मेरा आदत है जो पूरा मैं जो काम करता हूँ उसको पहले पूरा तरह से तराई करता हूँ जिससे कि कोई परेशानी नहीं हो काम करने में। देख सकते हैं गाइस आप जो है मेरा छत पूरा तराई हो चुका है, अब इसको जो है अब छोड़ देना है और इसमें घोल मारेंगे। ए पानी ये वाला पी लेना, बोतल वाला कर दो बंद। हाँ पीने वाला भी मोटर बंद कर दो। देख लो गाइस जैसे कि मेरा मोटर बंद हो चुका है अब जो है देख लो और अब शुरू करेंगे इसका काम। तो गाइस इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देख सकते हो भीतर का नज़ारा कैसा है, पैर भी आप इसी तरह बनाओगे तो सही रहेगा। 3-4 बल्ली देना है और चाली रखना है, उसके बाद प्लाई रखना है। और गाइस इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो मिलते हैं, तब तक मैं जय हिंद वंदे मातरम।